हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल कार चक्कर। आज आपके सामने बात करूंगा दी ऑल न्यू थार पेट्रोल वेरिएंट के बारे में। ऑटोमेटिक है, फोर व्हील ड्राइव के साथ है। एक्सशोरूम प्राइस इस गाड़ी का स्टार्ट हो जाता है, बेस वेरिएंट जो है 10,68,680 से, और टॉप एंड का जो एक्सशोरूम प्राइस जाता है वो जाता है 13,68,680 से। इस वाली गाड़ी का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 14,78,000 रुपये। एंड ऑन रोड की भी बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर डोर एंड इंटीरियर से। तो आपको दिखाना चाहता हूँ ड्राइवर डोर जो है उस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। एक तो आपको डोर हैंडल्स ब्लैक में मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे थार की बैजिंग मिल जाएगी सिल्वर फिनिश में। एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपके ORVMs रहेंगे जो कि LX में आते हैं, बेस वेरिएंट्स में नहीं आते। यहाँ पे कुछ आपको पावर विंडोज़ वगैरह नहीं मिलने वाली, बट अच्छा खासा बॉटल होल्डर के लिए आपको स्पेस भी मिल जाता है। अगर पावर विंडोज़ की बात करता हूँ वो आपको यहाँ पे प्लेस होके मिलेंगी, जो कि ज़्यादातर महिंद्रा में ये चीज़ फेमस है। अगर आप स्कॉर्पियो वगैरह भी देखने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है। उसके अलावा इंटीरियर की बात करते हैं, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखाता हूँ। काफ़ी प्यारा यहाँ पे आपको व्यू मिलने वाला है। 180 का स्पीडोमीटर रहेगा, थार की यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, एंड फुली डिजिटली के साथ साथ आपको सारे बेसिक से लेके टॉप इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो इन बटन्स से, जैसे प्रेस करेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। दोनों डोर ओपनिंग्स हैं, ओपन है तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे, सारी इस इन्फॉर्मेशंस आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करता हूँ, ओनली टिल्ट मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर महिंद्रा का लोगो, एंड इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा। तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा फीचर्स भी यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, एंड पैसे भी। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, एंड साथ के साथ आपको पैनल ब्लैक फिनिश मिल जाती है क्रोम इंसर्ट के साथ। AC वेंट्स पे टच स्क्रीन आपका म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है, एंड इधर से आप इन्हें मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवेंचर स्टैटिक रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ़ोन नेविगेशन भी मिल जाएगा, कार इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स में आप सारी अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हो। इधर AC वेंट्स रहेंगे आपके, एंड नॉर्मल AC रहने वाला है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा ड्राइवर पैसेंजर, जैसे कि यहाँ पे एयरबैग्स का ऑप्शन आता है, जैसे इनोवा में भी है, आप उसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ की वगैरह या कुछ फ़ोन वगैरह रखने के लिए। दो चार्जिंग USB सॉकेट्स रहते हैं आपके, एंड एक ऑक्स का एंड एक 12 वॉट का आउटलेट इधर मिल जाएगा। फोर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पे आपको सेटिंग के लिए लीवर दिया हुआ है, 2 हाई 4 हाई न्यूटन एंड 4 लो के लिए। इधर आपका ऑटोमेटिक है ट्रांसमिशन, तो इधर आप अपने ईजिली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। पार्किंग, रिवर्स, न्यूटन एंड ड्राइव, इसे आप मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो। दोनों पावर विंडोज़ आपको इधर मिलेंगी, ये आपका हैंड ब्रेक रहने वाला है, एंड ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं क्रोम फिनिश के साथ। इधर एक हैंडल मिल जाता है जिससे कि आप इजीली कंफर्टेबल यहाँ पे बैठ सकते हैं कोडाइवर साइड पे। छोटा सा यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिलने वाला है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। इधर आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बैजिंग, मॉडल, थार, सीरियल नंबर यहाँ पे आप इधर मिल जाएगा, एंड मेड इन इंडिया विद प्राइड। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट में जैसे कि आप देख रहे हो LED DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। एंड इसका जो लुक है ना वो ऑलरेडी ही एकदम डैशिंग हल्क टाइप यहाँ पे लुक आता है फ्रंट से। एंड टॉप एंड मॉडल में लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आईब्रो लगवा लेते हैं, जो कि गाड़ी के लुक को फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी हद तक इन्हांस कर देता है। नॉर्मल हैलोजन आपके यहाँ पे लाइट्स हैं, एंड फॉग लैंप्स आपको इस मॉडल में मिल जाएंगे। आपके फॉग लैंप्स भी रहने वाले हैं हैलोजन में ही, LED में नहीं है। एंड ये आपका बम्पर रहने वाला है सिल्वर फिनिश के साथ। थार की बैजिंग आपको मिल जाती है, फ्रंट की आपकी काफ़ी वाइड ग्रिल, महिंद्रा का लोगो। एंड इधर से आप अंदर से तो ओपन करने पड़ेगा, एंड इधर से भी आप इसको ओपन करके, मतलब इसे हुक को हटा के ओपन कर सकते हो हुड को। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस के एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस के। डायमेंशंस में सिर्फ विड्थ का डिफरेंस रहेगा अगर आप बेस वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट में आते हो। LX में 35 mm का विड्थ डिफरेंस है। वाटर डायमेंशंस कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 600+ mm आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। नॉर्मल नेक्सॉन वगैरह की भी ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm है अपने सेगमेंट में, उसमें भी 300+ रहता है, बट यहाँ पे आपको 600+ मिलता है। काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, एंड आपने इसकी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी ऑफ रोडिंग की। उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के इंजन मिलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल।
पेट्रोल में आपको 150 पीएस पावर मिलती है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर ऑटोमेटिक पे आप जाते हैं तो वहाँ पे 20 mm टॉर्क आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। एंड डीजल की बात करता हूँ तो 130 पीएस आपको मिलती है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं जो कि आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर बना देता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की, तो प्राइस में जैसे कि आपको पता है बेस वेरिएंट मैंने बताया था 10,68,680 का एक्स शोरूम रखता है, ऑन रोड जाके पड़ता है 12,92,000 जो कि सबसे बेस वेरिएंट है एक्स एसी बी पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 6 सीटर के साथ। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले वेरियंट की जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो है एलेक्स पेट्रोल 84 व्हील ड्राइव 4S कन्वर्टेबल, इसका एक्स शोरूम प्राइस मैंने बताया था 14,78,680। काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑन रोड जाके पड़ता है 17,56,670 रुपये का। ये है हरियाणा पलवल का ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम सेम रहता है, ऑन रोड बाकी चेंज हो जाता है आपकी स्टेट वाइज, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे आपका TCS 1% लगा है 14,78,000 के बाद। 93,000 का आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है, जीरो डेप्थ रजिस्ट्रेशन है आपका, उसके बाद हाइपोटिकेशन फास्ट है, एक्सटेंड वारंटी है 13,000 समथिंग की, इन सब प्राइस मिला के रिकमेंडेड एसेंशियल एसेसरीज भी इसमें ऐड हैं 25,000 रुपये की, तो ये सारा प्राइस मिला के आपको पड़ता है 17,56,000। टॉप एंड वेरिएंट जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ, एलेक्स पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव 4S हार्ड टॉप, वो जाता है 15,98,000 रुपये का। बाकी टॉप एंड वेरिएंट तो यही होंगे ऑटोमेटिक में। इसके अलावा अगर आप हार्ड टॉप पे जाते हो इसी वेरिएंट में, उसमें मुश्किल से मुश्किल आपका 15,000 के आसपास 10,000 के आसपास डिफरेंस मिलने वाला है, बाकी और कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं प्राइस में। दोस्तों इंजन कैपेसिटी की बात करता हूँ तो पेट्रोल इंजन 2.0 लीटर में आ जाता है जो कि 150 पावर जनरेट करता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ऑटोमेटिक की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे 20 mm का टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है आपको न्यूटन मीटर का। डीजल इंजन 2.2 लीटर में आता है जो कि 130 पीएस पावर जनरेट करता है। दोनों इंजन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालते हैं। एंड उसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो साइड प्रोफाइल में आपको आर ट्रेन टायर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आप हर तरीके के इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, सिटी में, ऑफ रोडिंग में, हिल्स पे, हर मतलब चारों तरीके से आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। 255/65R18 का यहाँ पे आपको व्हील साइज मिलने वाला है जो कि काफ़ी बेहतर है। बेस वेरिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे R16 का आपको व्हील मिलेगा, काफ़ी डिफरेंस है 2 इंच का। ये टायर साइज सबसे बेस्ट लगता है इसमें एंड गाड़ी अच्छी भी लगती है। साइड में इंडिकेटर्स देख रहे हैं आप, ब्लैक ग्लाइडिंग्स के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलेगा, थार की बैजिंग मिल जाती है एंड ORVMs पे भी आपको थार की बैजिंग मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल रहने वाले हैं, फोल्डेबल नहीं रहेंगे, बेस वेरिएंट में आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके का आपके डोर हैंडल्स रहेंगे ब्लैक में। कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये है कलर आपका कॉपर, इसके अलावा और भी कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिमांड में है। इसमें 4x4 की बैजिंग आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो बेस वेरिएंट में 216 एंड इस वाले वेरिएंट में 226, ये ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। 226 ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ही बेहतर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो रियर में एलेक्स वेरिएंट में आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं थार की बैजिंग के साथ। बेस वेरिएंट में LED नहीं रहेंगे, नॉर्मल रहने वाले हैं। वही आपको टायर मिल जाता है, स्टेपनी आप कह लीजिए, सेम साइज़ का रहने वाला है यहाँ पे, अलॉय व्हील्स के साथ, थार की बैजिंग, ब्लैक डोर हैंडल रहेंगे आपके। एंड इधर वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं रहेगा क्योंकि ये सॉफ्ट टच है, मतलब सॉफ्ट है एंड इधर से आप इसे ईजिली हटा सकते हो। चैन दी हुई है एंड कुछ यहाँ पे इस तरीके की चेपी दी हुई है। दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करता हूँ, 57 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड डीजल फ्यूल लीटर की बात करते हैं तो 20 लीटर रहने वाला है। नॉर्मल गाड़ियों में 10 लीटर रहता है बट यहाँ पे आपको 20 लीटर मिलने वाला है। बूट स्पेस काफ़ी प्यारा मिल जाता है, 4 सीटर एंड 6 सीटर दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बाकी 5 जने बैठ सकते हैं आराम से। मैं रियर सीट्स की भी आपको अभी रिव्यू देने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में, उसके पहले मैंने यहाँ पे ये चेन वगैरह खोल दी है जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजिली हो जाए दिखाना, आप आराम से यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इधर ये हुक्स दिए हुए हैं तो अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इनमें आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सी परेशानी होगी अगर आप का डेली थोड़ा सा ओपन चलने का माइंड है, बाकी और ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। पीछे आपको ग्रे कलर का यहाँ पे बम्पर मिल जाता है डुअल टोन में। LED टेल लैंप्स मैंने आपको बता दी, रिफ्लेक्टर्स पीछे रहने वाले हैं आपके। अभी चलते हैं रियर सीट्स पे।
इधर से आप हुक प्रेस करके इसे इजीली रिक्लाइन कर सकते हैं एंड इसे आगे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्पेस बन जाता है पीछे जाने का। एक बार चल के देखते हैं कितना हमें इशू होने वाला है एंड कितना नहीं। वैसे अगर जिसकी हाइट 6 फीट से ऊपर है उसे थोड़ा बहुत इशू होगा एंड जो बंदा हेल्दी है, बाकी हमारे जैसे बंदे जिनकी नॉर्मल हेल्थ है उन्हें कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईज़िली मैं पीछे आ चुका हूँ एंड इसे ही नॉर्मल पीछे करके सीट्स को यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे। स्पीकर्स का यहाँ पे आपको रूफ में ऑप्शन मिलता है एंड एक स्पीकर आपको उधर मिल रहा है, एक उधर मिल रहा है। रीडिंग लैंप्स आपके LED रहने वाले हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं LED में। स्पेस आप देखिए, लेगरूम काफ़ी प्यारा मिलने वाला है। वो सीट बिल्कुल पीछे की हुई है मैंने, बाहर निकलने में कोई इशू ना हो। बाकी उसके अलावा ये नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स हैं, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है आपको कंफर्ट के लिए। सीटिंग यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये थोड़ा सा लेदर फिनिश है, या तो आप इसे प्योर लेदर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, नॉर्मल फैब्रिक के साथ यहाँ पे टचिंग है। उसके बेस वेरिएंट में आपको नॉर्मल सीट्स मिलने वाली हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत लेदर का फिनिश रहेगा जिससे कि कंफर्ट काफ़ी प्यारा हो जाएगा आपका एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी ठीक मिल रहा है। पीछे के आपके हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे एंड फ्रंट के भी दोनों हेडरेस्ट आपके दोनों सीट्स के एडजस्टमेंट रहने वाले हैं एंड ये फोल्ड भी हो जाएंगी सीट्स। यहाँ से दोनों आपके 50-50 फोल्डेबल रहेंगे। यहाँ पे आपको सेफ्टी में सभी फीचर्स मिल जाते हैं। को ड्राइवर जो एयरबैग है उसे ऑन एंड ऑफ करने का यहाँ पे आपको स्विच दिया हुआ है। उसके अलावा ESP कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, आइसोफिक चाइल्ड एनकरेज, सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। उसके अलावा सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग थार ऑलरेडी ले चुकी है एंड कैप में एंडेवर सीट यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का मिल जाता है LX वेरिएंट में। तो सेफ्टी में और क्या चाहिए, बाकी बिल्ड क्वालिटी शुरू से ही थार की काफ़ी प्यारी रही है। इस तरीके की आपको की मिल जाएगी बटन्स के साथ एंड फोल्डेबल, दोनों फोल्डेबल हैं की। ये एक आपको बटन मिलेगा एंड एक आपको नॉर्मल मिलेगा। ये देखिए लॉक अनलॉक एंड इस वाले में आपको कुछ नहीं है, इस वाले में सिर्फ आपको फोल्डेबल रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी एक लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप और वीडियो चाहते हैं थार के ऊपर डिटेल में तो वो भी आप मेरे को बता देना, और कोई सी गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता देना, तो जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।